टुडे इज 15th मार्च एंड टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ पेइंग एडवांस टैक्स। और अगर आप भी टैक्स पेयर हो और एडवांस टैक्स के दायरे में आते हो और अभी तक आपने नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर आपने नहीं किया तो आज ही अपनी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पूरी करें। और अगर आप नहीं समझते हो एडवांस टैक्स क्या होती है, कैसे पेमेंट करनी होती है, और अगर नहीं करते हैं, फेल करते हैं तो क्या होती है, इसके ऊपर आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष झा। चलिए समझते हैं एडवांस टैक्स की क्लासेस। देखिए, कोई भी टैक्स पेयर जिन्हें ये लगता हो, हमारे इंडियन टैक्स पेयर जिन्हें ये लगता हो कि उनकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी आने वाले साल में आफ्टर रिड्यूसिंग TDS और TCS एक्सीड हो रही है 10,000, अगर मुझे या अगर आपको ये लगती है कि आपकी इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है वो आने वाले साल में 10,000 के ऊपर जाने वाली है आफ्टर यू TDS और TCS को रिड्यूस करके, अगर आपका कोई क्लाइंट या कोई भी आपका जो सप्लायर हो वो अगर TDS और TCS काट लिया हो, वो रिड्यूस करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि 10,000 एक्सीड कर जाएगी हमारी इनकम टैक्स, तो यू आर लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। तो आप एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए लाइबल हो जाते हो। अब ये एडवांस टैक्स की कहानी समझ गए, लेकिन इसको करना कैसे है और कितना करना है इसको समझिए। हमारी गवर्नमेंट कहती है आप एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो। 4 इंस्टॉलमेंट में, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। अब देखिए, 15 जून को 25%, 15 सितंबर को 45%, 15 दिसंबर को 75% और 15 मार्च को 100%। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, लेकिन आप अगर एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं, आपको इस सब से नहीं मतलब है कि ये फार्मूला क्या है, तो आप सिंपली समझिए गवर्नमेंट आपको पूरे साल में 4 इंस्टॉलमेंट देती है। आप 4 इंस्टॉलमेंट में अपने टैक्स का एज्यूम करके उसका 25% करके ईच इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दीजिए। समझ लीजिए, 15 जून को भी 25 कर दिए, 15 सितंबर को भी 25 कर दिए, 15 दिसंबर को भी 25% कर दिए, 15 मार्च को भी आप 25% कर दिए। इस हिसाब से आपका 15 मार्च आते आते 100% कंप्लीट हो जाएगा। सपोज कीजिए, अगर आप 10,000 आपकी अगर इनकम टैक्स आ रही है तो आप अगर इसके 25% करेंगे तो 2,500 रुपया करके हुआ। तो 4 इंस्टॉलमेंट पे अगर आप 2,500 करके देते हैं तो 10,000 का कंप्लीट हो गया। तो आपको इस कंप्यूटेशन, ये जो फॉर्मूला है, इस पे आपको फोकस नहीं करना है। ये फॉर्मूला उनके लिए है जो स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें एग्जाम में काम आने वाली है, या जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं जिन्हें समझाने की जरूरत पड़ती है, तो ये उनके लिए। और अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं, आपको इस फॉर्मूले पे नहीं जाना है, तो आप सिंपली समझिए अपने टैक्स का 25% ईच इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं या कंसल्टेंट हैं तो इस फॉर्मूला को याद रखिए, 25, 45, 75, 100। अब चलिए, अगर नहीं करता है कोई टैक्स पेयर एडवांस टैक्स पेमेंट तो क्या होता है? तो होता कुछ नहीं है, बस उनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है जब वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न सबमिट करते हैं। ये कौन करता है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के हिसाब से आपको 1% पर मंथ चार्ज किया जाएगा। किसके ऊपर? टैक्स के ऊपर। जो भी आपका टैक्स बर्डन आएगा उसके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग रिटर्न वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो आई होप एडवांस टैक्स की जो क्लास है बड़ी ही आसान शब्दों में, छोटे वीडियो में आपको क्लियरिटी समझ में आई होगी कि क्या होती है एडवांस टैक्स, किन टैक्स पेयर को करना जरूरी है, कितने अमाउंट के बाद करना जरूरी है, कब करना है, कितने परसेंटेज के साथ करना है, और अगर नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए अपने दोस्त एडवोकेट मनीष झा के चैनल को फॉलो और प्यार करते रहें। और अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया तो फटाफट करें, और फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।